नमस्कार दोस्तों, आज का चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज गोथिक कला को बारे में, गोथिक आर्ट के बारे में नाम तो आप सब लोगों ने सुना, लेकिन इसे मैं इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे आप कहीं अन्यत्र नहीं पा सकते। यह बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से है और बिल्कुल सरलतापूर्वक आपको समझ में आने वाला है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप जानें कि गोथिक कला का मूल क्या है। तो गोथिक कला का मूल रोशनी और अंधेरे का डांस हम कह सकते हैं, रोशनी और अंधेरे के नृत्य को की कला जो है वो गोथिक कला है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मुझे पता है आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप केवल केवल पढ़ते हैं, तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुँचाएँ। वीडियो में आगे चलते हैं। आज हम यूरोपीय कला के इतिहास में एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, गोथिक कला की दुनिया में। यह कला शैली मध्य युग में फली फूली है और आज भी अपनी भव्यता और रहस्यमयता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए आप, ऊंची ऊंची नुकीली मेहराबें, रंगीन कांच के शीशे से बनी हुई खिड़कियां, विशालकाय मूर्तियां और पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत कहानियां। गोथिक कला सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं, कैथोलिक चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तकला में भी इसका जादू देखने को मिलता है। लेकिन गोथिक कला का जन्म कैसे हुआ? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में कुछ नया, कुछ रोमांचक होने लगा था। कलाकारों ने रोमन शैली से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की और उन्होंने रोशनी और उसकी उत्पत्ति, उसके छाया पर विशेष ध्यान दिया। रोशनी के नाचते हुए तरंगों को उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा प्रभाव देखें कि जहाँ पर वो बने वो रोशनियों का नृत्य दिखाई दे। तो नुकीले मेहराबोदार बिल्डिंग बनाई गई, पतले पतले स्तंभ बनाए गए, विशाल काय खिड़कियाँ गोथिक कला की पहचान बन गई। इस कला की कुछ विशेषताएं जिसे हम कहते हैं ऊंची और नुकीली मेहराब, ये मेहराबें आकाश की ओर इशारा करती हैं, दर्शकों को ऊंचाई और भव्यता का अनुभव कराती हैं। रंगीन कांच के शीशे से बनी हुई खिड़कियां इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। ये खिड़कियां चर्च को रोशनी से भर देती थी। रंगीन शीशे से गुजरने वाली रोशनी एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और रंगीन प्रकाश का नृत्य वाला दृश्य प्रस्तुत करती थी। विशालकाय बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी। गोथिक कला में मूर्तियों का विशेष महत्व था। ये मूर्तियां धार्मिक कहानियों पर आधारित होती थी और उनके कैरेक्टर्स को, धार्मिक कहानियों के चरित्रों को दर्शाती थी। यह दर्शकों को प्रेरित करती थी। पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत कहानियों का ये जो सैलाब दिखता है यहाँ पर, गोथिक कलाकारों ने पत्थरों पर बारीक नक्काशी करके बाइबिल और अन्य धार्मिक कहानियों को उकेरा। गोथिक कला का जो प्रभाव है वो कैसा रहा? तो गोथिक कला सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में कलाकारों को प्रेरित करती रही। आज भी गोथिक कला की भव्यता और रहस्यमयता लोगों को आकर्षित करती है, आपको भी करती है ना। कुछ प्रसिद्ध गोथिक कलाकृतियां फ्रांस के नोट्रेडम कैथेड्रल को हम मानते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड में सेंट पॉल कैथेड्रल, जर्मनी में कोलोन कैथेड्रल, इटली में मिलान कैथेड्रल, ये सब गोथिक शैली की इमारतें रही हैं। अब कुछ विशेष तत्व आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि गोथिक शब्द का अर्थ बर्चर होता है? आप जानते हैं कि गोथिक कला को अक्सर हम रोशनी और अंधेरे का नृत्य कहा जाता है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप जानते हैं कि गोथिक कला ने हॉलीवुड के फिल्मों और वीडियो गेम्स को बहुत प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। तो अगली बार आप जब किसी गोथिक कलाकृति को देखें तो अवश्य इस बात को देखें कि उसकी भव्यता और रहस्यमयता में आप कितना खो जाते हैं। यह कला शैली आपको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाएगी, फैंटेसी के युग में ले जाएगी और मध्य युग के रोमांचक यात्रा कराएगी। अब कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप गोथिक कला के बारे में
कुछ तस्वीरें देखना चाहते हैं, तो मैं तो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप खुद से गूगल पर सर्च करके गॉथिक के आर्किटेक्चर को, उसकी कृतियों को देखेंगे। आप यदि प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, है ना। तो गोथिक कला के बारे में आज इतना ही। संक्षेप में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। 5 अंक के प्रश्न यानी 2 पेज में आप इसको बढ़िया से लिख सकेंगे। धन्यवाद।